हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं अपनी स्टडी की ताकि हमारा यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन में जेआरएफ हो जाए। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको 15 दिन का जो प्लान है वो बता रहा हूँ, उसको आप अगर ध्यान में रख के सही से स्टडी करोगे तो आपका मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपका जो नेट या फिर जेआरएफ ज़रूर हो जाएगा। और ये जो प्लान मैंने बनाया है दोस्तों, ये 15 दिन का बनाया है और इसके अंदर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर टू दोनों की प्लानिंग इसके अंदर बताई हुई है कि किस दिन हमें क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सके, और दोस्तों घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन है वो मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब हम बताते हैं कि किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैंने 15 दिन की जो प्लानिंग बनाई है ये एक्चुअली मैंने 1 जून से लेकर 15 जून तक बनाई थी, तो कुछ समय इसमें गुजर चुका है, लेकिन आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी से स्टार्ट करोगे तो भी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने हर एक टॉपिक के बारे में बताया कि किस टॉपिक में हमें कितना दिन लगाना है और कैसे करना है, तो देखते हैं हम। ये देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आता है दोस्तों, मास मीडिया रिसर्च। अब आपको पता है कि रिसर्च जो है वो पेपर फर्स्ट में भी आती है और सेकंड में अपने दोनों में आती है, ठीक है। तो आप जो मास मीडिया रिसर्च है ये और पेपर फर्स्ट की जो रिसर्च है इसमें थोड़ा डिफरेंट है। जो पेपर सेकंड की जो रिसर्च है ये अपने थोड़ी कम्युनिकेशन से रिलेटेड रिसर्च आ जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है इसमें, तो ये इसमें आप 2 दिन लगाइए, 1 और 2 दिन, 2 दिन में ये कंप्लीट कीजिए। और इसके साथ 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 आप क्वेश्चन पेपर करके देखिए। दोस्तों मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि क्वेश्चन पेपर करके देखिए। आपको यकीन नहीं होगा कि जो नवंबर 2017 में कम्युनिकेशन से जो पेपर आए थे, सॉरी मास मीडिया रिसर्च से जो क्वेश्चन आए थे वो पहले पूछे जा चुके हैं। 4-5 क्वेश्चन थे उसमें जो पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है, पहले के ओल्ड पेपर में। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ओल्ड पेपर कीजिए, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन भी आपको पता है कि पेपर फर्स्ट में भी आता है, टू में भी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है एक दिन में कंप्लीट कर लीजिए। और दोस्तों ये देखिए मैंने बना रखा है कि जो कॉमन सब्जेक्ट है हमारा दोनों के अंदर वो हम एक साथ करेंगे, ठीक है। पेपर फर्स्ट का भी कम्युनिकेशन और पेपर टू का भी कम्युनिकेशन एक ही दिन करना है आपको, ठीक है, ताकि कम समय में ज़्यादा हमारी प्रिपरेशन हो सके। अगला आता है दोस्तों डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, और इसके अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर कर सकते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एक दिन में हो जाए, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड है वो शायद 2 दिन में हो, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हो सकता है कि 2 दिन में हो, और किसी से अगर 1 दिन में होता तो 1 दिन में कर लीजिए। देखिए दोस्तों वैसे तो आपको ये बिल्कुल आसान लग रहा है कि आप कहोगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है जो 2 दिन लगाए हैं आपने। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में इवैल्यूएशन सिस्टम वगैरह है और काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, जैसे एक वो आ गई इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ गया, इसी के अंदर क्लासरूम कम्युनिकेशन वगैरह आ गया, वो इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप वही है कि अगर आप क्वेश्चन पेपर करोगे तो आपको पता चलेगा कि टीचिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम दोस्तों नंबर 5 पे पब्लिक रिलेशन आ जाएगा। पब्लिक रिलेशन के साथ आप टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएंगे, एक एक दिन में हो जाएंगे। अगला है दोस्तों कम्युनिकेशन थ्योरीज़, और पेपर फर्स्ट में लॉजिकल रीजनिंग। अब देखिए दोस्तों कम्युनिकेशन थ्योरीज है ये काफ़ी बूझी जाती है क्वेश्चन पेपर में, करीब 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन थ्योरीज़ कोई 2 या 4 नहीं है, कम से कम भी अगर मैं बात करूँ तो 30 से 35 थ्योरीज़ है, मेन इम्पोर्टेंट जो थ्योरीज है। तो इन सभी को करने के लिए अगर अच्छे से आप करोगे ढंग से तो 2 दिन कम से कम इसमें लग जाएंगे आपके, ठीक है। तो अगले दिन जैसे हम
सात नंबर पे जैसे कम्युनिकेशन थ्योरी दोबारा करेंगे तो यहाँ पे वर्बल रीजनिंग कर सकते हैं और छः को लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे इसके अंदर वो आते हैं जैसे आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो गए हमारे, डेफिनेशन हो गई हमारी, ठीक है, और स्केयर ऑफ ऑपोजिशन वगैरह हो गए। तो ये तरह के ये जो भी टॉपिक है आपके लॉजिकल रीजनिंग के, ये आपको यहाँ पे करने हैं 2 दिन के अंदर करने हैं आपको, ठीक है, काफ़ी। और इसमें से कम 5 क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट में, तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है और हो जाएगा ये। आगे बात करते हैं दोस्तों मीडिया प्रोडक्शन एंड कैमरा साउंड, सॉरी इससे पहले है दोस्तों कम्युनिकेशन मॉडल और पेपर फर्स्ट में रीजनिंग विद मैथ। कम्युनिकेशन मॉडल से भी क्वेश्चन आते हैं तो कम्युनिकेशन मॉडल कीजिए, ये करीब 15 से 20 है इम्पोर्टेंट वो कीजिए। और एक तो दोस्तों थ्योरीज और मॉडल के अंदर ये ज़रूर याद कीजिए कि कौन सी थ्योरी और कौन सा मॉडल किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है दोस्तों मीडिया प्रोडक्शन कैमरा एंड साउंड और पेपर फर्स्ट में पीपल एंड एनवायरमेंट। देखिए मीडिया प्रोडक्शन के अंदर आपको पता ही है जैसे कि कैमरे के बारे में पूछ लें, कैमरे के अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनके बारे में पूछ लेंगे, और वीडियो प्रोडक्शन में पूछ लेंगे जैसे कि जो शॉट वगैरह होते हैं जो फिल्म बनाते हैं, तो पैनिंग शॉट वगैरह हो गया, ठीक है, माउंट शॉट हो गया, तो इस तरह के जो शॉट है वो पूछ लेते हैं, और इसके बारे में साउंड के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। और इस साइड में पीपल एंड एनवायरनमेंट के अंदर आपको पता ही है कि ज़्यादातर इसके अंदर प्रदूषण के बारे में पूछते हैं, डिजीज़ के बारे में पूछते हैं, और कुछ करंट अफेयर भी इसमें आ जाता है। अब अगला है दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस हिस्ट्री और रेडियो हिस्ट्री। इसके अंदर आपको हिस्ट्री करनी है कि रेडियो कब आया था, और रेडियो के अंदर काफ़ी तरह के पॉइंट है जो हमें करने ज़रूरी है। इसी तरह से प्रिंटिंग प्रेस के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कई बार कि आविष्कार का आता है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, जैसे नवंबर 2017 में आया था, और पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं कि आविष्कार से रिलेटेड आते हैं, तो आविष्कार जितने भी वो आप अच्छे से कर लीजिए। और इस साइड है दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन, ये इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर मैं आपको राय दूँ तो दोस्तों इसमें आप ज़्यादा टाइम ना गंवाएं, अगर आपको पेपर में आते हैं क्वेश्चन तो कीजिए, अगर नहीं आते तो इसके पीछे मत पड़िए, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम खा जाएगा और जिसकी वजह से दूसरे क्वेश्चन है वो ख़राब हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हम टीवी हिस्ट्री और फिल्म हिस्ट्री। टीवी हिस्ट्री में वही आ गया कि टीवी कब आया था, रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था, ठीक है, विज्ञापन कब शुरू हुआ था, इस तरह की जो भी हिस्ट्री वगैरह वो कर लीजिए। इसी तरह से फिल्म के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो स्टार्टिंग की जो फिल्में थी जैसे 1 मिनट की 2 मिनट की 5 मिनट की 10 मिनट की जो फिल्में हुआ करती थी उसके अंदर कई बार बूझ लेते हैं, तो वो आप कर लीजिए, ठीक है। इधर हायर एजुकेशन के अंदर मैं आपको बता दूँ कि जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती है और जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके बारे में बूझ लेते हैं कि NICT का क्या कार्य है, UGC का क्या कार्य है, ठीक है, NCERT की क्या विशेषता, इसके बारे में बूझ लेते हैं। आगे बात करते हैं हम दोस्तों नंबर 12 पे न्यूज़पेपर एंड मैगजीन और न्यू मीडिया, ठीक है। इसके अंदर आपको न्यूज़पेपर के बारे में बूझ लेंगे, 5 न्यूज़पेपर दे दें उनको, आगे पीछे लगाना है कि पहले कौन सा है फिर कौन सा है। इधर पॉलिटी के बारे में भी आपको पता है, इसके अंदर ज़्यादातर जैसे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ बूझ लेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनकी शक्तियों के बारे में, कार्य के बारे में बूझ लेंगे, ठीक है, और आपातकाल वगैरह के बारे में बूझ लेंगे, तो ये कर सकते हैं आप। इधर अगर हम बात करते हैं हम 13 नंबर पे, इसके अंदर प्रेस एजेंसीज आपको पता है जैसे PCI हो गया, PTI हो गया, UNI हो गया, तो इस तरह की जो एजेंसी है उसके बारे में बूझते हैं। कमेटी के बारे में अगर बात करें तो सेन गुप्ता कमेटी, वर्गीज कमेटी, चंदा कमेटी, इनके बारे में बूझते हैं। और जर्नलिज्म एसोसिएशन के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि वो हो गया हिंदी साहित्य सम्मेलन हो गया, ठीक है, और प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया हो गया, और काफ़ी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जर्नलिज्म से रिलेटेड, तो वो उनके बारे में पूछते हैं, तो ये आप अच्छे से कर लेना। इधर अगर हम बात करें तो ICT से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट के अंदर, तो वो आप कर ले। और अब 14 नंबर पे बात करते हैं मीडिया लॉ, तो मीडिया लॉ के बारे में क्वेश्चन आते हैं, प्रेस सेंसरशिप वगैरह के बारे में वो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गैगिंग एक्ट वगैरह है उसके बारे में पूछ लेते हैं,
और आगे पीआर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे आईपीआरए हो गया, पीआरएसआई ऑर्गेनाइजेशन होगी, पब्लिक रिलेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बूझ लेते हैं। और फिर जर्नलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं जर्नलिज्म के टाइप वगैरह पूछ लेते हैं, पैक जर्नलिज्म क्या हो गया, ठीक है, चेरी पैकिंग क्या हो गया, तो इस तरह की काफ़ी जर्नलिज्म के टर्म्स वगैरह है वो पूछ लेते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और पेनी प्रेस वगैरह पूछ लेते हैं इसमें। और इधर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि। और अब 15 नंबर पे बात करते हैं फोक मीडिया। तो फोक मीडिया के बारे में कई बार क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे कि यक्षगान है वो कहाँ का है, ठीक है, नौटंकी है वो कहाँ की है, तो इससे क्वेश्चन बूझ लिए जाते हैं। और टैगलाइंस तो काफ़ी आते हैं, नवंबर 2017 में करीब 4 क्वेश्चन आए हुए थे टैगलाइन से, तो ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और अवार्ड भी बूझ लिए जाते हैं, अवार्ड भी आया था 17 में। और बुक एंड राइटर, बुक राइटर के बारे में भी पूछ लेते हैं कि कौन सी बुक कौन से राइटर ने लिखी है। मीडिया इफ़ेक्ट, मीडिया इफ़ेक्ट के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, वो पूछ लेते हैं कि आजकल महिलाओं का जो चरित्र है वो किस तरह से दिखाया जाता है मीडिया के अंदर, वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था 15 दिन का प्लान, तो आप इस प्लान को फॉलो करके आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई सहायता चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको पेपर फर्स्ट और पेपर टू यानी कि मास कम्युनिकेशन के ओल्ड पेपर हैं वो लेने हैं, जो सेपरेट टॉपिक अलग अलग करके मैंने बनाए हुए हैं, जैसे कम्युनिकेशन से कितने क्वेश्चन आए हैं आज तक, रिसर्च से कितने आए हैं, जर्नलिज्म से कितने आए हैं, इस तरह से पेपर सेकंड के जितने भी ये टॉपिक दिए हैं इनके अलग अलग मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं विद आंसर के साथ। इसी तरह से पेपर फर्स्ट में जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से आज तक कितने क्वेश्चन आए हैं, लॉजिकल रीजनिंग से कितने आए हैं, पॉलिटी से कितने आए हैं, ठीक है, वो मैंने अलग अलग किए हैं 2012 से लेके 2017 तक, नवंबर 2017 तक के क्वेश्चन मैंने अलग किए हैं विद आंसर हैं, ठीक है। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो जब आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे तो दोस्तों आप कुछ भी पढ़ते रहो, इसका कोई अंत नहीं है स्टडी करने का, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो पीडीएफ है इनकी थोड़ी सी कॉस्ट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इस तरह की पीडीएफ वगैरह बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर आप किसी को चाहिए वो पीडीएफ तो आप हमें फेसबुक अकाउंट है मेरा वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।